were discussing about errors. Errors के बारे में हमने पढ़ा था, absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error. Today we will discuss about combination of error. Means मान लीजिए कि दो quantities को हमने add किया, subtract किया, division की या multiplication की, तो हो सकता है वहाँ पे कोई ना कोई result के अंदर error आ गया हो. तो उस error को आप कैसे sort out करेंगे? तो error यहाँ पे combination of error किया जाएगा, that is sum, difference, multiplication and division and power. तो चलिए इसको start करते हैं. सबसे पहले we will take about sum. सबसे पहले हम करेंगे error in a sum. Suppose कीजिए कि हमने एक physical quantity x को measure किया, that was equal to a plus b. x is a physical quantity, that is the sum of a and b. जब हम reading ले रहे थे, तो delta a क्या था? Error. इन मेजरमेंट ऑफ ए. जब हमने रीडिंग दी तो ए को मेजर करते हुए डेल्टा ए एरर आ गया. सिमिलरली डेल्टा बी एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी आ गया. अगर ये दोनों एरर हो गई, जब हम इनको यहाँ पर एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ए और बी के जो हमने ऐड किया है उस रीडिंग्स के अंदर एरर है, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके अंदर भी एरर होगा. तो बी से डेल्टा एक्स क्या है? एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स. सो वी कैन राइट इक्वेशन फर्स्ट एज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी. गिव इट इक्वेशन नंबर टू. देखिए इक्वेशन नंबर टू हमें क्या बताती है कि जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो आप जब भी एरर की वैल्यू क्वांटिटी के साथ लिखेंगे उसको आप प्लस माइनस करके ही लिखेंगे. क्लियर? नाउ ए प्लस बी को एक साथ रख लीजिए, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. ठीक है, तो वी कैन से ए प्लस बी प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. इस तरह से आप यहाँ पर पहुंच गए. व्हाट इज ए प्लस बी हियर? ए प्लस बी हमारे पास क्या है? एक्स है. तो आपने यहाँ पर एक्स लिख देना है. हियर वी विल गेट प्लस साइन. तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड हेयर इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स. क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर एक्स विल कैंसिल आउट विद एक्स. एक्स की वैल्यू एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगी एंड वी विल गेट प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट. आप इस प्लस माइनस को यहाँ से हटा भी सकते हैं. तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. दिस विल बिकम अवर फाइनल रिजल्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ सम. सिमिलरली अगर आप डिफरेंस के लिए बात करेंगे, इसी पैटर्न पे आप लोग चलेंगे एंड वी आर टेकिंग डिफरेंस. सपोज एक्स इक्वल टू ए माइनस बी. हमने एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स को मेजर किया जो कि इसके इक्वल आई है, डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यूज. तो यहाँ पे जब हमने मेजरमेंट की तो डेल्टा ए क्या आया? एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए. सेम पैटर्न पे चलना है. डेल्टा बी क्या है? एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी. और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स. जब आप यहाँ पहुंचेंगे एक्स का एरर उसके अंदर प्लस माइनस होगा, ए का एरर ए के अंदर प्लस माइनस होगा एंड बी का एरर बी के अंदर प्लस माइनस होगा. क्लियर? यहाँ पर माइनस था तो मैंने माइनस सिंबल रखा हुआ है. सो यहाँ ए माइनस बी को इकट्ठा करेंगे, वी विल गेट हियर प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी. क्योंकि ये माइनस साइन है, अंदर जाएगा तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं. और वी कैन से ये हमारा एक्स हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन को रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में चीजों को लेंगे तो वहाँ पे प्लस साइन को ही रखा जाता है. इधर यहाँ रहेगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स. एक्स विल कैंसिल आउट, सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. देखिए इसका जो प्रूफ है वो आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला. तो हम इन चीज़ों को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा. आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई दो क्वांटिटी है उनको हमने ऐड किया तो ये उसके अंदर एरर रहे, तो बताइए उनका लास्ट में जो टोटल एरर आएगा वो क्या होगा. तो उसके लिए ये दोनों फॉर्मूले सेम है, चाहे आपने फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया है और चाहे आपने उनको सब्ट्रैक्ट किया है. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको ये पढ़ना जरूरी था कि अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं और उनके अंदर कुछ ना कुछ एरर आ रहा है तो फाइनल रिजल्ट के अंदर एरर क्या रहेगा.
तो सेम प्रोसीजर पे दोनों चीजें काम करेंगी, चाहे आप एडिशन कर रहे हैं और चाहे आप डिफरेंस ले रहे हैं। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से हमने मल्टीप्लीकेशन, ये डिवीजन और सम और डिफरेंस करते हुए इस मेथड को फॉलो किया। लेट अस कंसीडर कि एक वैल्यू है हमारे पास सी वन, सी वन इज गिवन एज 1.3 प्लस माइनस 0.1 एंड इसी तरह से आपको सी टू गिवन है 2.4 प्लस माइनस 0.2। वो कह रहे हैं कि हमें सी वन प्लस सी टू चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, सी वन प्लस सी टू। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि ये जो वैल्यू है दैट आर डेल्टा सी वन और डेल्टा सी टू, यानी कि जब आपने सी वन लिखा है तो ये सी वन की मेजरमेंट थी और ये उसके अंदर आया हुआ एरर था। सिमिलरली जब आपने ये सी टू लिखा तो ये उसकी मेजरमेंट थी और ये उसके अंदर आया हुआ एरर था। तो पहले आप क्या करेंगे, सी वन प्लस सी टू करेंगे। जब आप सी वन प्लस सी टू करेंगे तो आपने पहले इन दोनों वैल्यूज को एड करना है, मीन्स वी हैव टू एड 1.3 प्लस 2.4। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपने साथ वाले एरर को ऐड करना है, ये जो हमारे पास है डेल्टा सी वन प्लस माइनस डेल्टा सी टू, दिस इज डेल्टा सी वन एंड दिस इज डेल्टा सी टू। सो वी कैन से 0.1 प्लस 0.2, यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा सी वन प्लस माइनस डेल्टा सी टू। फाइनल रिजल्ट आप लोगों को कैसे लिखना है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 3.7 और यहाँ से 0.3। तो जो फाइनल आंसर होगा, सपोज दैट इज सी पी में लिख रही हूँ, तो वो हमारे पास होगा 3.7 प्लस माइनस 0.3। इस तरह से आपने वहां पर फाइनल रिजल्ट की वैल्यू दे देनी है दोनों क्वांटिटीज को ऐड करते हुए। अब यही चीजें अगर हमारे पास माइनस में आ जाए, माइनस के लिए देख लीजिए, उसने कहा है कि L1 एक क्वांटिटी है एंड L1 इज इक्वल टू 5.62 प्लस माइनस 0.01, ये कोई लेंथ मेजर किया, और L2 है हमारे पास 4.34 प्लस माइनस 0.02, मींस जब हमने ये लेंथ मेजर की तो इस रीडिंग के साथ इतने का एरर था, और जब ये लेंथ मेजर की तो एरर ये था। वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द लेंथ, हमें डिफरेंस निकालना है। सपोज डिफरेंस इज L डैश, तो L डैश के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा L1 माइनस L2, ये L1 है और ये L2 है, तो आपने करना है 5.62 माइनस 4.34, ठीक है। अब आपने क्या लेना है, एरर, एरर के लिए L डैश अगर आपने लिया है तो डेल्टा L डैश, डेल्टा L डैश की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ये जो आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई थी। तो प्लस माइनस डेल्टा L1 इज 0.01 एंड प्लस 0.02, यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी और ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.28 एंड दिस रिजल्ट इज 0.03। तो फाइनल वैल्यू आपने कैसे लिखनी है, 1.28 प्लस माइनस 0.03, दैट विल बी अवर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, दोनों के लिए जो फॉर्मूला है दैट विल रिमेन सेम। नाउ वी विल डू हाउ द मल्टीप्लीकेशन एरर कैन बी फाइंड आउट। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं एरर इन ए प्रोडक्ट। तो यहाँ मैं लेके चलूंगी कि x इक्वल टू a क्रॉस b की क्वांटिटी किसमें है, प्रोडक्ट में। सेम इसी तरह से आपने लिखना है डेल्टा a, डेल्टा b, डेल्टा x, इनके एरर है, जबकि हमने इन चीजों को मेजर किया है तो ये एरर वहां से निकल कर आए। तो ये चीज हमारी बन जाएगी x प्लस माइनस डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b, क्लियर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ये जो दोनों वैल्यूज हैं स्मॉल वैल्यू हैं डेल्टा ए डेल्टा बी, जब भी दो स्मॉल वैल्यू को आप प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी अगेन ए वेरी स्मॉल वैल्यू, तो उसको आपने नेगलेक्ट कर देना है, मीन्स इस क्वांटिटी को हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। तो वी आर लेफ्ट विथ ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी, x प्लस माइनस डेल्टा x। यहां तक पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वी हैव टू टेकन आउट a फ्रॉम दिस क्वांटिटी, सॉरी x आपने यहां से कॉमन आउट लेना है। अगर आप इसमें से a कॉमन आउट लेना चाहे तो देखिए ये फॉर्म क्या बन जाएगी, अभी मैं इससे बताती हूँ कि अगर मुझे यहां से x बाहर निकालना है तो यहां तो x है बट इधर x नहीं है, तो आपको x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। इसी तरह मेरे को ये वाला फैक्टर उठाना है a प्लस माइनस डेल्टा a,
यहाँ मैं a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस चीज को, इनटू में b प्लस माइनस डेल्टा b था उसको b से डिवाइड और b से मल्टीप्लाई कर दिया। उसका क्या इफेक्ट होगा कि मैं यहाँ से x को कॉमन आउट ले लूँ, x जैसे ही बाहर गया वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ हो जाएगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a इनटू में b बाहर आ जाएगा और 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। इसको करने का क्या फंडा है, आप ये दो स्टेप छोड़ के सीधा यहाँ भी आ सकते हैं। तो a भी आपके पास बाहर है, 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b, एंड व्हाट इज a b, दिस इज x, और ये प्रोसीजर ऐसे का ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, x will cancel out with x, we are left with 1 plus minus delta x over x, this is equal to, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 1 plus minus delta a over a, plus minus delta b, plus minus delta a over a, and delta b over b। अभी मैंने बताया कि ये दोनों क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल है, तो इनका प्रोडक्ट और भी स्मॉल होगा, तो इस प्रोडक्ट को आपने नेग्लेक्ट कर देना है। तो इस चीज को हम छोड़ देंगे, 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। और फाइनल रिजल्ट को आपने कैसे लिखना है कि डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b, दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। यानी कि जब भी आप दो चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा x ओवर x विल बी द एरर देयर, तो उसको आपने निकालने के लिए डेल्टा a ओवर a और डेल्टा b ओवर b वैल्यू पुट कर देनी है। यही सेम प्रोसीजर आपने डिवीजन के लिए फॉलो करना है, मींस जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर सेम रहेगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का प्रोसीजर आपके पास सेम रहेगा, मींस जब भी आपके पास दो क्वांटिटी दी जाएंगी तो आपने उन दोनों को इसी फंडे से क्या करना है, सोल्व करना है। देयर विल बी ऑलवेज प्लस साइन बिटवीन द टू क्वांटिटीज, दोनों क्वांटिटीज के बीच में जो साइन लेना है वो हमें प्लस लेना है, वेदर देयर इज ए सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लीकेशन का एक क्वेश्चन बताती हूँ, सेम स्टेप पे आपने डिवीजन का क्वेश्चन करना है। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक मल्टीप्लीकेशन हियर। सपोज लेंथ इज गिवन बाय, लेंथ दी गई है आपको और ब्रेड्थ दी गई है किसी रेक्टेंगुलर लेमिना की, लेंथ इज 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो यू नो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर आपको a इंटू b करना है तो सबसे पहले आप 2.3 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये दोनों क्या है यहाँ पर एरर। तो फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लीकेशन सोल्व करने का, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a एंड प्लस डेल्टा b ओवर b। क्लियर, ये हमें फाइंड आउट करना है, प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, व्हाट इज डेल्टा a, ये है डेल्टा a, तो आप इसको लिखेंगे 0.2 ओवर 2.3 प्लस 0.1 ओवर 1.6। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी दैट विल बी प्लस माइनस 0.55 ओवर 3.68, दिस विल बी डेल्टा ए ओवर ए, क्योंकि यहाँ पर हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये रहेगा हमारे पास डेल्टा ए ओवर ए। इफ वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा ए, हमें ये वाला एरर निकालना है, तो ए यहाँ आ जाएगा इनटू में प्लस माइनस 0.55 3.68, और ये जो a है इसको आप यहाँ से पहले ही फाइंड आउट कर चुके होंगे, तो a की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जो भी इसका रिजल्ट आए प्लस माइनस में आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो स्टूडेंट ये होता है मल्टीप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर पे अगर आपने डिवीजन करनी है तो डिवीजन का आपने ये का ये फंडा वहाँ पर इस्तेमाल करना है, पहले उसको यहाँ पुट कर दीजिए जो भी वैल्यू आपको डिवाइड करने को मिली है। सपोज यहाँ पे एल और बी को ही डिवाइड करना था, तो आपने ये वैल्यू अगर एल है तो ये डेल्टा एल है, ये अगर बी है तो ये डेल्टा बी है, इस तरह से आपने वैल्यू उठाते हुए इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देने हैं एंड यू विल गेट द राइट आंसर। अब करते हैं एरर इन द पावर, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी पावर के अंदर मेंशन की गई है तो आप उसके अंदर एरर कैसे निकालेंगे। सपोज वी आर गिवन x इक्वल टू a पावर n एंड b पावर n,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में भी हैं और पावर भी है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं ए पावर एन ओवर बी पावर माइनस एन, तो यहाँ पर इन क्वांटिटीज को हम डिवीजन में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो जनरल रूल रहेगा वो आपने सीधा याद करना है कि डेल्टा एक्स बाय एक्स वी हैव टू फाइंड आउट हियर एरर, प्लस माइनस का आपने साइन यहाँ पर यूज कर लेना है। सबसे पहले आपने पावर को आगे लिखना है, पावर एन है, ए का क्या बनेगा डेल्टा ए बाय ए, क्लियर। प्लस विल बी पुट हियर एम पावर डेल्टा बी बाय बी, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर पावर सॉल्विंग एरर। तो आपने क्या करना है, पहले पावर को उठा के आगे लाना है, ए का सॉल्यूशन रहेगा डेल्टा ए बाय ए, हियर इज ऑलवेज ए प्लस साइन एंड एम डेल्टा बी बाय बी। चाहे आप इस एम को ऊपर लेकर जा रहे हैं, चाहे आप यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा आपने प्लस एम लिखना है, कभी भी पावर को माइनस नहीं लेना है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देती हूँ, देन इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्स इज गिवन एच ए पावर एल बी पावर एन ओवर सी पावर एन, ये क्वेश्चन है, इसको हमने सोल्व करना है, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एक्स बाई एक्स, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, पहले ए की पावर एल को सोल्व करेंगे, एल यहाँ आ जाएगा डेल्टा ए बाय ए, प्लस आगे एम है डेल्टा बी बाय बी, और यहाँ पर भी प्लस रहेगा, ये कोई फंडा नहीं कि ऊपर आएगी तो आप डेल्टा सी बाय सी के साथ इसको नेगेटिव दे देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस एम डेल्टा बी बाय बी प्लस एन डेल्टा सी बाय सी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर सॉल्विंग मेथड इन एरर क्वेश्चन, और इसके बाद मैं अब आपको समझाऊंगी कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स अगर पढ़ रखे हैं तो आपको बिल्कुल जल्दी से समझ आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आप सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ के आइएगा। तो ये थे हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सम डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन एंड पावर में, अभी हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या क्या रूल रहेंगे, कौन कौन सी डिजिट आपको काउंट करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी है। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, जो भी डिजिट सर्टेन है हमारे लिए कि ये तो इसके अंदर आनी ही है, उनको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। इसके लिए देखिए सबसे पहला रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर आपको एक्स दिया गया है 1 2 3 4, तो इसके अंदर सारे डिजिट क्या है, नॉन जीरो, तो वो सारे क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट। मीन्स इस नंबर के अंदर आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 4 है, ठीक है। सेकेंडली इसमें देखिए ये दोनों नॉन जीरो हैं, और नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आए हुए हैं तो वो इंक्लूड किए जाएंगे, मींस यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर आपके पास कितनी रहेंगी, 4 रहेंगी। थर्ड क्वेश्चन के अंदर डेसिमल से ये वाले जीरो काउंट नहीं होंगी, यानी कि आपके पास ये सारे काउंट होंगे और इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 4 होंगी। डेसिमल से पहले का जीरो और किसी नॉन जीरो से पहले का जीरो, अगर डेसिमल केस है वहां पे तो ये काउंट नहीं होंगी और डिजिट आपके पास 4 रहेंगे। लेकिन इस नंबर के अंदर अगर आप देखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक्स इक्वल टू 3210। इस नंबर के अंदर ये लास्ट वाला जीरो काउंट नहीं होगा, मींस आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी बची, 3। अब इस नंबर के अंदर आ जाएंगे 3.500, मींस यहाँ पर डेसिमल का केस है, डेसिमल के केस के अंदर ये जीरो काउंट होगी। तो ये अलग अलग रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स के कि कौन सी डिजिट आपने काउंट करनी है और कौन सी नहीं करनी। नेक्स्ट रूल के अंदर देखिए एक नंबर आपको दिया गया है 5.608 सेंटीमीटर, मींस यहाँ पर आपको यूनिट दी गई है, इस यूनिट को मैंने सेंटीमीटर की बजाय मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ थी और 4 ही यहाँ है, क्योंकि ये जीरो तो काउंट होंगे नहीं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो वो कहना चाह रहा है कि वेदर आप सिस्टम ऑफ यूनिट को बदल देते हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू आपने हमेशा सेम रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर दोनों ही केसेस में कितनी रहेगी, 4 रहेगी। नेक्स्ट के अंदर देखिए यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 0.3570, क्योंकि अभी मैंने बताया नॉन जीरो से पहले वाला जीरो काउंट नहीं होगा, बट डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं जैसे कि इस रूल में काउंट हुए थे तो ये काउंट होगा, तो आपके पास डिजिट कितनी बनेंगी, 4। एंड द लास्ट रूल की अगर आपको यूनिट लगा के कोई नंबर दिया गया है और उसके पीछे यहाँ नॉन जीरो है, ये जीरो नंबर है, यहाँ हमने वाला जीरो काउंट नहीं किया था बट यहाँ देखिए ये जीरो काउंट होंगे क्योंकि आपको यूनिट प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पर कितनी है हमारे पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये रूल है कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करनी है।
अब देखिए इसका जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सबट्रैक्शन, यहाँ पे इनको कैसे फॉलो किया जाएगा। सपोज x ये नंबर है और y ये नंबर है, x के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है और y के अंदर 3 है। हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें रिजल्ट मिला। अब हमने देखना है कि इसका फाइनल रिजल्ट कैसे दिया जाए। तो जब भी इसका फाइनल रिजल्ट देना हो, ध्यान रखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आई एम टेलिंग यू कि आपने वो नंबर देखना है जहां पर डेसिमल के बाद कम से कम प्लेसेज हो। जैसे कि इस नंबर में डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो आपने ऐसा रिजल्ट देना है कि डेसिमल के पास एक ही डिजिट आपके पास बचे। दैट विल बी अवर राइट आंसर, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे पास ये आया है बट इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर डेसिमल के बाद स्मॉलेस्ट देखना है, तो वो 1 डिजिट वाला ये है, तो आपने 1 डिजिट तक ही आंसर देना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का क्या रूल है? यहाँ पे आपने डेसिमल के बाद का कम से कम प्लेस देखना है और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हुए जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, सपोज वी आर कैलकुलेटिंग डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, तो हमारा रिजल्ट ये आया। अब हम वापस यहाँ जाएंगे कि फाइनल रिजल्ट कहाँ तक दे, तो आपने यहाँ पर कम से कम नंबर वाले सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। ठीक है, तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर नीचे वाले में है जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिए हुए हैं, तो आपने जो फाइनल नंबर रिजल्ट देना है वो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। मींस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हुए वी हैव टू टेक स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, किसमें कम है उसी के बेस पे आपने रिजल्ट देना है। और ये करते हुए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी हैव टू चेक दैट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, कि कहाँ तक कम से कम नंबर डेसिमल प्लेसेज के आपने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, उस पॉइंट तक आपने आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एरर वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो राउंडिंग ऑफ है वो आप लोगों ने कर रखी है, राउंडिंग ऑफ अबाउट 10, 100, 1000, वो आप अपना एक बार से फिर से चेक कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि इसको 100 तक राउंड ऑफ करेंगे तो कैसा क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में आप लोग पहले से फेमिलियर हैं तो मैं उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करूँगी। तो इससे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर अब हम ये जो इससे पहले जो मैंने वीडियो सेंड किए हैं दैट वर द फर्स्ट डी डायमेंशनल एनालिसिस, और यहाँ पर ये फर्स्ट ई आज कंप्लीट हो गया है, जबकि पहले के जो सेक्शन है वो मैंने अभी नहीं छेड़े थे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको अपलोड करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।